कोलकाता मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों पर हमले का अब मामला तूल पकड़ता नजर आया। कोलकाता में हुई इस घटना के विरोध में देश भर में डॉक्टरों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं राजधानी के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर अस्पतालों में 2 घंटे कार्य बहिष्कार का विरोध किया। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रही। विरोध कर रहे डॉक्टर्स ने पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स पर हुए हमले की निंदा की है। अस्पतालों में 2 घंटे ओपीडी बंद होने से मरीजों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि जॉर्ड महासचिव डॉक्टर मनोज शर्मा ने कहा कि हर बार ऐसी घटनाएं होने पर सरकार सिर्फ मामूली कार्रवाई करके मामले को शांत करती है, लेकिन अब स्थायी समाधान करने की जरूरत है और इसी के तहत देश भर में डॉक्टरों में आक्रोश व्याप्त है। बात यह है कि क्यों हर बार जब भी कोई झगड़ा होता है तो 2-4 दिन स्ट्राइक होती है, फिर छोटी मोटी कार्रवाई करके इस मामले को आया गया कर दिया जाता है। क्यों इसकी जड़ में जाने की कोशिश नहीं की जाती? सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण तो ये है कि अस्पतालों में राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण क्या है कि असामाजिक तत्वों को संरक्षण प्राप्त होता है। कोई घटना करके आ जाते हैं, तुरंत छूट जाते हैं। दूसरा, हाईलाइट मौका होने का मौका इतना आसानी से मिल जाता है कि ऐसी घटनाओं को कवरेज ज़्यादा मिलने की वजह से ये लोग अपने आप को प्रोत्साहित महसूस करते हैं और ऐसी घटनाओं के लिए आगे से खुद को और दूसरों को बढ़ावा देते हैं।